الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। मेरे मोहतरम दोस्तों और भाइयों, दुनिया में हर इंसान की कोई पसंदीदा शख्सियत होती है। हर इंसान किसी को पसंद करता है, हर इंसान किसी से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, और जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर चीज़ को अपनाया जाता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अगर तुम्हें अल्लाह के साथ मोहब्बत है, अगर तुम्हें अल्लाह के साथ मोहब्बत है तो तुम उसकी दलील पेश करो। वो दलील क्या है कि मेरी इत्तेबा करो, मेरे नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो। जब तुम इस तरह करोगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं युहिब्बुकुमुल्लाह, पहले तो तुम अल्लाह से प्यार करते थे, जब तुम मेरी इत्तेबा करोगे तो अल्लाह तुमसे प्यार करेंगे। अल्लाह का महबूब बनना, अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनना, उसका सिर्फ़ एक रास्ता है कि हम अपने नबी के तरीक़े पर, अपने नबी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। हमारा दिन, हमारी रात, हमारी सीरत, हमारी सूरत, हमारी खुशियाँ, हमारे गम, हमारी तिजारत, हमारी मेहनत मज़दूरी, हमारी ज़िंदगी का हर काम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमें कोई भी काम करना है पहले हम उसको चेक करेंगे कि हुजूर का तरीक़ा है या नहीं है। नहीं है तो हम उसे फेंक देंगे, चाहे उसमें कितना नफ़ा मिल रहा हो, चाहे उसमें कितनी सारी दुनिया आ रही हो, कितनी सारी दौलत मिल रही हो, लेकिन अगर सीधी सादी ज़िंदगी में हमसे अल्लाह राज़ी होता है तो सीधी सादी ज़िंदगी हमारे लिए काफ़ी है। एक मिसाल के तौर पे, अगर यहाँ कादियानी आ जाए, कादियानी या क्रिश्चन आ जाए, ईसाई आ जाए, और आके कहें कि आप लोग कितने गरीब हैं, आप लोगों के पास तो घर ही नहीं है, हम आप में से हर एक के लिए अच्छा बंगला बना देते हैं और आप में से हर एक को एक एक गाड़ी दे देते हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ा यहाँ हस्पताल बना देते हैं, उसमें आप अपने मरीज़ों का इलाज करवाएं, आपके लिए यहाँ हम बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना देते हैं, उसमें आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, अफसर बनाएं। लेकिन एक बात यह है कि ग़ुलाम अहमद कादियानी को भी नबी मान लो तो क्या ख्याल है, हम उसे कबूल करेंगे? नहीं करेंगे। और अगर वो हमसे इसका मुतालबा ना भी करें, हम फिर भी कबूल नहीं करेंगे, इसलिए कि आज वो मुतालबा नहीं कर रहे, कल वो हमारे करीब होते होते हमारे बच्चों को काफिर बना देंगे। इसलिए दुनिया और आखरत की कामयाबी, दुनिया और आखरत की फलाह व बहबूद सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने में है, चाहे इसमें दुनियावी नफ़ा नज़र आए, चाहे इसमें दुनियावी नुकसान नज़र आए।
आज इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप के इन पहाड़ों में भी इंटरनेट आ गया है। यहाँ भी नौजवानों को मैं देख रहा हूँ, इनके हाथों में भी मोबाइल हैं और इन मोबाइलों में क्या कुछ है ये तो खुदा जानता है। लेकिन ये मोबाइल हमारे लिए कोई खैर का पैगाम नहीं लाए। ये फहाशी लाए हैं, ये उरियानी लाए हैं, ये बेहयाई लाए हैं, ये बेपर्दगी लाए हैं, ये आपस की नफ़रतें लाए हैं, ये एक दूसरे से जुदाइयां लाए हैं। इन मोबाइलों ने, आप तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अभी आप लोग महफूज हैं, आपका दीन महफूज है। आप बाहर शहरों में चले जाएं तो दीन मुसलमानों से निकल चुका है। अल्लाह, लोगों के अंदर से हराम और हलाल की तमीज़ भी ख़त्म हो गई है, जायज़ नाजायज़ की तमीज़ ख़त्म हो गई है, बहन और बीवी का फ़र्क ख़त्म हो गया है, बीवी और बहन का फ़र्क ख़त्म हो गया है। ये इस मोबाइल के ज़रिए वो फहाशी आई है, वो बेहयाई आई है, वो बेगैरती आई है कि जिसका हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने आपकी अभी तक हिफाजत की है। अल्लाह करे हमेशा आप इन बुराइयों से महफूज रहें। लेकिन उसका तरीका ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी हिफाजत हो, आपकी नस्लों की भी हिफाजत हो, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, इनको तो अच्छे बुरे का पता नहीं है ना, इनको अच्छा बुरा तो माँ बाप बनाएंगे, इनको अच्छा बुरा तो उस्ताद बताएंगे, इनके अंदर बड़ों का अदब तो उस्ताद पैदा करेंगे, माँ बाप पैदा करेंगे, और इनके अंदर अल्लाह की महब्बत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत तो अल्लाह पे बड़े पैदा करेंगे, माँ बाप पैदा करेंगे, उस्ताद पैदा करेंगे। अगर हम चाहते हैं हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत हो, हमारे ईमान की हिफाजत हो, तो हम सबको चाहिए कि अहलुल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखें, अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक़ रखें, उलमा के साथ ताल्लुक़ रखें, तबलीग वालों के साथ ताल्लुक़ रखें। अल्लाह ताला तौफीक दे, कुछ वक्त, थोड़ा थोड़ा वक्त तबलीग में लगाते रहें, इससे आपके दीन की हिफाजत होगी, आपके ईमान की हिफाजत होगी। उलमा के साथ ताल्लुक़ रखें, इससे आपके ईमान की हिफाजत होगी। अल्लाह वालों से ताल्लुक़ रखें, इससे आपकी ज़िंदगी में तक़वा आएगा, आपकी ज़िंदगी से गुनाह ख़त्म हो जाएंगे। ये वाहिद ज़रिया है अपने ईमान को बचाने का, अपनी सारी नस्ल, अपने सारे बच्चों, अपने सारे इलाके के ईमान को बचाने का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत की बरकत से अल्लाह ताला ने सहाबा की सारी खामियां ख़त्म कर दी। अल्लाह ताला ने सहाबा के अंदर जो बुराइयां थीं, वो सारी बुराइयां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत की बरकत से ख़त्म कर दी। और हज़रात ताबईन की तरबियत हुई, इस्लाह हुई हज़रात सहाबा किराम की सुहबत की बरकत से, और यही सिलसिला अब तक चल रहा है। अगर हम और आप भी अहलुल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखेंगे, अहलुल्लाह से महब्बत रखेंगे, उनके साथ जुड़े रहेंगे, उनके साथ रबते में रहेंगे, उनके साथ मुनसलिक रहेंगे, तो अल्लाह ताला हमारे भी ईमान की हिफाजत फरमाएगा, हमारे भी दिल को मुनव्वर फरमाएगा, हमें भी अपनी महब्बत और अपनी मारफत का नूर अता फरमाएगा। तो आप सारे भाई इसकी नियत करें, इंशाल्लाह हमें अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक़ रखना है, रखेंगे इंशाल्लाह। और ज़िंदगी में जितने गुनाह हमसे हो गए हों, उन सब से अल्लाह ताला के सामने सच्ची तौबा कर लें, और इस बात को तय करें, इस बात का अज़्म करें कि सर से ले कर पाँव तक सारे वजूद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटकर कोई तरीका ना हो।
अगर आप नाराज़ ना हों, अगर आप नाराज़ ना हों तो एक बात कहता हूँ, वो ये है कि आपका इलाका दीनदार इलाका है और पाकिस्तान के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक दीन की निस्बत से हमारा आना जाना होता है, आना जाना होता है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ दो जगह हमें दीन की खुशबू महसूस हुई है, सिर्फ दो जगह पूरे पाकिस्तान में सिर्फ दो जगह दीन की खुशबू महसूस हुई है, रूहानियत महसूस हुई है, रूहानियत महसूस हुई है, वहाँ नूर महसूस हुआ है। दो जगह हैं, एक जगह बलूचिस्तान में, उसका नाम चमन है, और एक जगह खैबर पख्तूनख्वा में, उसका नाम तीरा है। अल्लाह, मगर डर है यहाँ के नौजवानों को देखकर, डर है कि कहीं ये खुशबू बदबू से न बदल जाए और कहीं ये नूर बुझ न जाए, इसलिए कि 25% नौजवानों के चेहरों पे दाढ़ियाँ नहीं हैं। पच्चीस 30% के सरों पे टोपियाँ नहीं हैं। इंसान एक बात समझ लीजिए, इंसान पहले दिन मुर्तद नहीं होता, पहले दिन इंसान काफिर नहीं होता, पहले इंसान छोटी छोटी बातें छोड़ता है, एक बात छोड़ता है, फिर दो बात छोड़ता है, फिर तीसरी, फिर चार बातें छोड़ता है, फिर छोड़ते छोड़ते ईमान भी छोड़ देता है। देखें ये जो इमारत है ना, इमारत एकदम सारी नहीं गिरती, पहले इसका रंग उतरता है, इसका रंग उतरता है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिट्टी गिरना शुरू हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी ईंटें हिलना शुरू हो जाती हैं, इसकी ईंटें हिलना शुरू हो जाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक ईंट निकलती है, दो निकलती है, तीन निकलती हैं, और फिर पूरी दीवार गिर जाती है, फिर एक गिरती है, दूसरी गिरती है, यहाँ तक कि सारी इमारत ख़त्म हो जाती है। तो टोपी पहनना फ़र्ज़ नहीं है, टोपी पहनना फ़र्ज़ नहीं है, मगर हमारे नबी की सुन्नत ज़रूर है। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दद अल्फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, जब इंसान सुन्नत छोड़ता है तो उसमें फ़र्ज़ छोड़ने की ताकत पैदा हो जाती है। जब इंसान सुन्नत छोड़ता है तो उसमें फ़र्ज़ छोड़ने की हिम्मत आ जाती है, जब फ़र्ज़ छोड़ता है तो फिर उसमें इस्लाम छोड़ने की हिम्मत हो जाती है। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको अपनाने की ज़रूरत है। आप ऐसी मेहनत और कोशिश करें अपने पूरे मुआशरे में, अपने पूरे इलाके में कोई नौजवान बग़ैर दाढ़ी के ना हो। अभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं लेट गया जाके अंदर, एक नौजवान ने आके मुझे बाजू दबाया, मैंने कहा आप मेरी खिदमत करना चाहते हैं? कहा जी। मैंने कहा अगर मेरी खिदमत करनी है तो मुझे दबाने से ज़्यादा खुशी नहीं होगी, आप मुझसे वादा करेंगे दाढ़ी नहीं काटेंगे? उसने कहा मैं वादा करता हूँ दाढ़ी नहीं काटूँगा। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ के दाढ़ियों वाले जिनकी दाढ़ियाँ नहीं हैं उनको कहते नहीं हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं लौला यनहाहुम रब्बानियून वल अहबार अन क़ौलिहिमुल इस्म व अक़लिहिमुस सुहत लबिसा मा कानू यफ़अलून। क्यों नहीं इनके उलमा उनको बुराई से रोकते थे? ये यहूदियों के बारे में अल्लाह ने कहा है,
इनके उलमा इनको बुराई से क्यों नहीं रोकते, इनको सही रास्ता क्यों नहीं दिखाते? इस पे अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। फिर एक और नौजवान आके पाँव दबाने लग गया। मैंने कहा आप के पाँव दबाने से ज़्यादा मुझे खुशी तब होगी जब आप सर पे टोपी पहन लें। उसने उसी वक्त मेरा पाँव छोड़ दिया और जल्दी से गया, टोपी पहन के आ गया। इसलिए दोस्तों आपके सामने हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, अगर आप अपनी नस्ल के ईमान को बचाना चाहते हैं, इर्तिदाद से बचाना चाहते हैं, कुफ्र से बचाना चाहते हैं, तो अभी से इसका बंद बांधें। जैसे पानी, पानी के लिए अगर छोटी सी जगह भी मिल जाए ना तो पानी अपनी सारी जगह खुद बना देता है, इसी तरह कुफ्र, कुफ्र को आप थोड़ा सा सुराख देंगे ना तो कुफ्र अपना रास्ता पूरा खुद बनाता है। एक मिसाल से समझ लीजिए, शायद ये बात आप में से बाज़ों को बुरी लगे लेकिन हकीकत है, हिंदुस्तान में सबसे पहले कॉलेज सर सैयद अहमद खान ने बनाया। हमारे अकाबिर ने उस वक्त कहा ये ठीक नहीं हो रहा, ऐसे नहीं होना चाहिए। उनका इसमें क्या है, मुसलमानों को भी तरक्की करनी चाहिए, मुसलमानों को भी साइंस में आगे बढ़ना चाहिए, मुसलमानों को भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी तो पहले भी थी, कोई नई थोड़ी आई है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बनाई ही मुसलमान साइंसदानों ने हैं। तो उस ज़माने में तो कोई कॉलेज नहीं थे, उस ज़माने में तो कोई यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी, हालांकि वो इतने बड़े साइंसदान थे। तो हमारे अकाबिर ने कहा ये ठीक नहीं हो रहा, ये गलत हो रहा है। बहरहाल बढ़ते 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 एक जाल बिछ गया पूरे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में कॉलेजों का, यूनिवर्सिटियों का और स्कूलों का। स्कूल में पढ़ना जायज़ है, यूनिवर्सिटी में पढ़ना जायज़ है, कॉलेज में पढ़ना जायज़ है, डॉक्टर इंजीनियर बनना जायज़ है, लेकिन डॉक्टरी के पर्दे के अंदर हमारी नौजवान नस्ल को आज दहरिया बनाया जा रहा है। आपके केपीके के एक इलाके में अभी 15 दिन पहले हमारा जाना हुआ, वहाँ के उलमा ने मुझे बताया कि यहाँ पे बहुत नौजवान ऐसे हैं जो अल्लाह को भी नहीं मानते। सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, फेसबुक है, इस पे आप देखेंगे बड़ी दाढ़ियाँ और पगड़ियाँ और आसपास बुखारी और मुस्लिम की किताबें रखी हुई हैं और वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि लोगों को इस्लाम से ही फारिग कर रहे हैं। इसलिए आपसे दस्तबस्ता दरख्वास्त है, अपनी इन नस्लों की फ़िक्र करें और जहाँ कहीं अल्लाह की कोई नाफरमानी है फ़ौरन उसका तदारुक करें। एक मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, बस्ती में रहने वाले 100 हैं, एक नमाज नहीं पढ़ता, ये 99 उस मुसलमान के पास चल के जाएं, आप क्यों नहीं पढ़ते? अगर आपने उसको छोड़ दिया फिर 2 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, फिर सारी बस्ती बेनमाजी हो जाएगी। जब किसी के जिस्म पे छोटा सा फोड़ा हो ना, फोड़ा दाना निकल आए, तो डॉक्टर उसको चेक करते हैं, उसका खून लेते हैं, उसका चेकअप होता है, तो डॉक्टर कहते हैं भैया तो कैंसर है, तो फौरन उस टुकड़े को काट देते हैं, फौरन उस टुकड़े को काट देते हैं। अगर उसको टुकड़े को न काटा जाए तो ये कैंसर पूरे वजूद के अंदर फैल जाता है। इसी तरह बेदीनी, इसी तरह सुन्नत की खिलाफ वर्जियाँ, इसी तरह अल्लाह की नाफरमानियाँ, इसी तरह बेदीनी अगर थोड़ी सी आ जाए
और फौरन उसका तदारुक न हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते सारे इलाके को घेर लेती है। तो आप सारे दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप सब के सब सर से ले कर पाँव तक अपने नबी के तरीके पर आने की नीयत करें। आएंगे इंशाल्लाह। एक तो ये सारे नौजवान दाढ़ियाँ रखो। आपसे पूछता हूँ, हुजूर के चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? भाई बताओ, नौजवान बताओ, हुजूर के चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? तो आप हुजूर की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, जो बड़ी उम्रों वाले हैं जिनके चेहरों पे दाढ़ियाँ हैं वो पगड़ियाँ नहीं पहनते। यहाँ सिर्फ पगड़ियाँ उलमा को देखा है, सिर्फ उलमा मदरसों में पढ़ाने वाले पगड़ियाँ पहन रहे हैं, उसके अलावा आम लोग नहीं पहन रहे। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औकात अपने सर पे पगड़ी नहीं रखते थे? आपसे पूछता हूँ भाई, हमारे नबी अक्सर पगड़ी पहनते थे नहीं पहनते थे? तो आप हुजूर से अलग क्यों जा रहे हैं? और आपके आबाओ अजदाद पगड़ियाँ पहनते थे नहीं पहनते थे? तो आप क्यों नहीं पहनते? जब अंग्रेज़ बर्रे सगीर में आया, आके काबिज़ हो गया, आके मुसल्लत हो गया, तो जो अहकाम इब्तदाई तौर पे अंग्रेज़ ने जारी किए उनमें से एक हुक्म ये भी था कि जितने सरकारी अफसर हों उनके सर नंगे कर दो, और जितने घटिया दर्जे के लोग हैं इनके सरों में पगड़ियां पहना दो। चुनाचे आप बड़े शहरों में जाएंगे ना, पेशावर में जाएंगे, तो वहाँ बड़े बड़े जो वज़ीर वज़रा किस्म के लोग हैं, बड़े खान और नवाब हैं, उनके बंगलों के बाहर जो गार्ड खड़ा होगा ना उसके सर पे पगड़ी होगी, गार्ड के सर पे पगड़ी। और जो होटल पे बहरे होते हैं ना, होटल पे जो खाना तकसीम करते हैं, होटल पे आपके पास बिल लेकर आएंगे, आपके पास वाउचर लेके आएंगे, भाई दाल इतने की, गोश्त इतने का, रोटी इतने की, तो उसके सर पे पगड़ी होगी। वो आपके सामने रोटी पेश करेगा, उसके सर पे पगड़ी होगी। और वो जो मीरासी होते हैं ना, शादियों में ढोल बजाते हैं, उनके सरों पे पगड़ियाँ होती हैं। तो अंग्रेज़ ने हमारी नस्ल का जहन बना दिया कि वज़ीर आज़म का सर नंगा होता है, मीरासी के सर पे पगड़ी होती है। इसलिए आप सब के सब पगड़ियाँ पहनने की नीयत करो। पहनेंगे इंशाल्लाह, चेहरों पे दाढ़ियाँ रखेंगे इंशाल्लाह, और आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करें। आपस में कभी भी न लड़ें। आपस की लड़ाइयाँ अल्लाह ताला को सख्त नापसंद हैं। हमारे नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे शब कदर की तायीन बताई थी, मैं तुम्हें शब कदर की तायीन बताने के लिए आ रहा था, दो मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे, उसकी इतनी नहुसत हुई कि अल्लाह ताला ने शब कदर की तायीन उम्मत से वापस ले ली। दो आदमियों के झगड़ने से शब कदर से सारी उम्मत महरूम हो गई। जहाँ एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पे गन लेकर खड़ा हो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पे फायर करने के लिए तैयार खड़ा हो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से सलाम का जवाब देने के लिए तैयार ना हो, बताइए वहाँ कितनी नहुसत होगी। इसलिए नियत करें, इंशाल्लाह कभी किसी मुसलमान से कत्ता ताल्लुक़ नहीं करेंगे। तैयार हैं? मुसलमान से कत्ता ताल्लुक़ करना नाजायज़ है। मुसलमान से कत्ता ताल्लुक़ ही ख़त्म करने में जो रुकावट है ना, रुकावट वो पता है क्या है? रुकावट है अना। शेख सादी कहते हैं, तकब्बुर अज़ाज़ील रा खौर कर्द, बज़ंदान लानत गिरफ्तार कर्द, अना ने तकब्बुर ने शैतान को जलील कर दिया। तो जो अना करेगा वो जलील हो जाएगा। इसलिए अना को बीच में नहीं लाना है। बस कोई बात नहीं, हम छोटे हो जाएंगे तो हमें होने दें, हम किसी से ताल्लुक़ तोड़ेंगे नहीं, सब मुसलमानों से मोहब्बत करेंगे। तैयार हैं इंशाल्लाह? अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए।